देखिए ये जो लेक्चर है ये L6 है, हमारी तीन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑलरेडी हो चुकी हैं। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में पहला हमारा था एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, दूसरा था डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, थर्ड था ऑस्मोटिक प्रेशर और लास्ट है रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। ये लेक्चर L2 में ऑलरेडी हो चुका है, फिर भी एक बार मैं रिविजन के तौर पर फास्ट तरीके से बता देता हूँ। अगर आपके दो नॉन वोलेटाइल आपके कॉम्पोनेंट हैं, एक कॉम्पोनेंट सॉरी आपका क्या है नॉन वोलेटाइल और एक वोलेटाइल है, तो बच्चों जो वोलेटाइल कंपोनेंट है वो तो आपका क्या देगा, वो आपका वेपर्स देगा, नॉन वोलेटाइल कंपोनेंट वेपर्स नहीं देगा। तो आपने दो कंपोनेंट दिए थे, कंपोनेंट ए जो आपका नॉन वोलेटाइल था और जो वेपर प्रेशर नहीं दे रहा था, सेकंड कंपोनेंट आपका वोलेटाइल है जिसको मैंने कहा था ये H2O ले लेना और ये मिट्टी वाला पानी ले लेना, कंपोनेंट ए, और ये कंपोनेंट क्या हुआ बी, दोनों को आपस में मिक्स किया और एक सॉल्यूशन बना। तो यहाँ पे प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन आएगा, प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। तो जब सॉल्यूशन है तो ये मिट्टी वाला पानी है, क्योंकि ए कंपोनेंट जो आपका प्रेशर नहीं दे रहा उसका तो प्रेशर जीरो आएगा, प्रेशर ऑफ कंपोनेंट ए क्या होगा जीरो, और प्रेशर ऑफ बी कंपोनेंट, प्रेशर ऑफ कंपोनेंट बी वो कुछ होगा, लेकिन अगर बी को प्योर उबालोगे तो आपका जो प्रेशर आएगा वो पी नॉट बी आएगा। तो इसको क्या बोलेंगे, वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट बी इन प्योर स्टेट। तो पानी अगर है और ये मिट्टी है, तो जब आप मिट्टी को पानी में डाल दोगे तो जाहिर सी बात है जो सॉल्यूशन का प्रेशर होगा वो उतना नहीं आएगा, क्लियर है। अगर ये 10 है तो ये 10 नहीं होगा, क्योंकि मिट्टी डल चुकी है, नॉन वोलेटाइल कंपोनेंट उसके अंदर आ चुका है। तो बच्चों जब इसके अंदर मिट्टी डाल दी तो प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन 10 नहीं होगा, 10 से कम होगा। मैंने इसको 7 लिया था, कितना लिया था 7। तो एक्सप्रेशन हमारा आया भी था कि पी नॉट बी माइनस पी एस जो है वो आपका लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर है, वो है लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। हाँ, आगे हमने बात की थी कि अगर इस लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर को फर्दर आप प्रेशर से डिवाइड कर दो प्योर स्टेट के कंपोनेंट बी के, तो इसको बोलते हैं रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, ठीक है। तो रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर में हमने देख लिया था कि ये हमेशा क्या होगी, एक तो एक्स ए के इक्वल आएगी। एक्स ए क्या है, ये है मोल फ्रैक्शन उस कंपोनेंट का जो आपका वेपर प्रेशर नहीं दे रहा है, ठीक है। ये मोल फ्रैक्शन है नॉन वोलेटाइल कंपोनेंट का, किसका है नॉन वोलेटाइल कंपोनेंट, हमेशा ये वैल्यू फ्रैक्शनल में होगी। ये कहा था अगर बच्चों आपने 10 लिया, ये 7 है और ये कितना रहेगा 10, तो न्यूमरेटर को आपने कम कर दिया डिनोमिनेटर से, तो जाहिर सी बात है कि वैल्यू हमेशा लेस देन 1 आएगी। तो यहां तक हमारा रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर हो गया था। अब आपको मुझे ये समझाना है कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्यों है। ये प्रॉपर्टी सिर्फ नंबर पर डिपेंड करती है, और नंबर किसके, सोल्यूट के। अगर आप मिट्टी और ज्यादा डालोगे, ठीक है ना, मिट्टी अगर आपने 1 स्पून ऐड की तो आपका ये प्रेशर 7 आया, अगर आप 2 स्पून इसके अंदर ऐड करोगे तो जाहिर सी बात है सॉल्यूशन के अंदर अब मिट्टी ही मिट्टी हो गई, ठीक है। तो प्रेशर जो सॉल्यूशन का है वो 10 से कम हो जाएगा, 10 से कितना हो गया 5, है ना। तो आपकी रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर क्या हो गई, चेंज, क्योंकि 10 माइनस 7 कुछ नंबर आया था 3, अब वो नंबर चेंज हो गया, किसकी वजह से, मिट्टी के डालने की वजह से, या ये को सॉल्यूट के ऐड करने की वजह से आप ये नंबर 5 हो गया, कितना हो गया 5। तो ये बात क्लियर हुई। तो पहले जो हमारा नंबर 7 था वो 1 चम्मच जब हमने 1 स्पून मिट्टी ऐड की थी तो थोड़ा सा कम हुआ था प्रेशर, ठीक है ना, 10 से 7 पहुंच गया था। अब आपने 2 स्पून ऐड किया तो मतलब सॉल्यूट ऐड किए, क्या ऐड किए सॉल्यूट, और जैसे ही आपने सॉल्यूट ज्यादा ऐड किए तो प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन में फर्क पड़ा, और अगर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन वेरी कर रहा है तो पूरी की पूरी क्वांटिटी रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर क्या कर रही है, चेंज हो रही है। इस वजह से ये कैसी प्रॉपर्टी है, आपकी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, क्योंकि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी सिर्फ नंबर पर डिपेंड करेगी, किस पर डिपेंड करेगी नंबर पर। यहां पे मैं एक्सप्रेशन फिर से एक बार निकाल के दिखा देता हूं, प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन हमेशा डिपेंड करता है ए का प्रेशर जितना होगा और बी का प्रेशर जितना होगा। सॉल्यूशन का प्रेशर किस पर डिपेंड करता है, ए के पार्शियल प्रेशर पर और बी के पार्शियल प्रेशर पर। ए आपका नॉन वोलेटाइल, बीइंग अ नॉन वोलेटाइल कंपोनेंट ये प्रेशर में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, ए का प्रेशर आप कितना लिखोगे जीरो, सिर्फ बी का प्रेशर होगा, और बी का प्रेशर उतना होता है जितना उसका मोल फ्रैक्शन होता है, ये राउल्ट्स लॉ कहता है, राउल्ट्स लॉ मैंने बताया था। और बी अगर प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाया था तो पी बी की वैल्यू क्या आ गई थी, ये आ गई थी पी नॉट बी इंटू एक्स बी, सॉरी ये बी है ना एक्स बी, क्लियर है। तो यहां पर हमने वैल्यू पुट कर दी थी कि पी बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, पी नॉट बी इंटू 1 माइनस एक्स ए, और इसको वैल्यू को पुट कर दिया था यहां पे। तो प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन यहां पर क्या होगा, पी नॉट बी, मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं उसको डायरेक्ट, पी नॉट बी इंटू एक्स ए,
तो यहां से जो एक्सप्रेशन आया था वो क्या आया था, P नॉट B माइनस पी एस ओवर P नॉट B। देख लेना L2 लेक्चर में पूरा समझाया हुआ है। तो आपको ध्यान ये देना है रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, समझ गए। चलो जी, ये हमारी चारों कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कंप्लीट हो गई। इनमें मैंने आपको ये कहा था कि बच्चों इब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट और क्राइस्कोपिक कांस्टेंट पे ज्यादा ध्यान मत देना, ठीक है ना, क्योंकि रेयर ही कोई क्वेश्चन आता है जिसमें वो इन्वॉल्व होंगे, है ना। जैसे कि बच्चों रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर था, रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, देखो जी रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर था और डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट था, उनके एक्सप्रेशन दोनों ही कोलिगेटिव प्रॉपर्टी हैं, ऐसे मैंने लिखे थे कि डेल्टा टीबी जो है वो क्या है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, और ये किसके बराबर आया था, के बी इंटू एम, एम मोलैलिटी है, ये एलिवेशन है बॉइलिंग पॉइंट का, और ये डिफरेंस होता है सोल्यूशन माइनस सोलवेंट का, सोल्यूशन माइनस सोलवेंट के बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस होता है। तो KB जो आपका इब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट है उसकी वैल्यू क्या होती है, R TB स्क्वायर 1000 इनटू LV। ये जो LV है ये लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन है, ये है बॉइलिंग पॉइंट सोलवेंट का, ये है बॉइलिंग पॉइंट किसका, सोलवेंट का। R एक कांस्टेंट है, गैस कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू 8.314 होती है जूल केल्विन इनवर्स और मोल इनवर्स, ये वैल्यू जरूर याद रखना। अगर आप कैलोरी में लोगे, कैलोरी में लोगे तो ये वैल्यू 2 हो जाएगी, जूल की जगह कैलोरी आ जाएगा, केल्विन की जगह डिग्री आ जाएगा, डिग्री इनवर्स, और ये रहेगा मोल इनवर्स। तो ये दोनों वैल्यू हमें पता होने चाहिए, क्योंकि वैल्यू हम पूरा क्वेश्चन कर लेते हैं, आर की वैल्यू पे कभी ध्यान नहीं देते। ये बहुत जरूरी है कि आर की वैल्यू अगर आपको जूल केल्विन में लिखनी है, आर एक गैस कांस्टेंट है, आर एक गैस कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू 8.314 है और 2 है। 8.314 कब है, जब ये वैल्यू जूल केल्विन इनवर्स और मोल इनवर्स में है, और 2 कब है, ये कैलोरी में है, डिग्री में है और मोल इनवर्स में है, ठीक है। टीबी बॉइलिंग पॉइंट है किसका, सॉल्वेंट का, और एलवी को हम क्या लिख सकते हैं, एलवी को ये है लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, और लेटेंट हीट का फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा एच एंथैल्पी चेंज अपॉन मोलर मास, और मोलर मास किसका, सॉल्वेंट का मोलर मास लेना है, किसका लेना है, सॉल्वेंट का, क्लियर है। तो KB आपका इब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट है जिसका फॉर्मूला R TB स्क्वायर 1000 इनटू LV हुआ, ठीक है। ऐसे ही मैंने तुम्हें डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट्स बताया था, जो डेल्टा TF इक्वल्स टू क्या हो गया था, KF इनटू M, M यहां पर मोलैलिटी है, ये क्या है, चेंज इन फ्रीजिंग पॉइंट है, ये क्या है, चेंज इन फ्रीजिंग पॉइंट, जिसको हम डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट बोलते हैं। तो डेल्टा TF जो है क्या है, डेल्टा TF, उस डेल्टा टीएफ के अंदर क्या है, ये डिफरेंस किसका होगा, डेल्टा टीएफ डिफरेंस होगा सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट, उल्टा हो गया इधर क्या, यहां पहले सॉल्यूशन माइनस सॉल्वेंट करते थे, ये सॉल्वेंट माइनस सॉल्यूशन हो गया, सॉल्वेंट माइनस सॉल्यूशन, ठीक है। केएफ की वैल्यू आप लिखोगे, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगी, आर वही गैस कॉन्स्टेंट है, टीएफ है ये है फ्रीजिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट किसका, सॉल्वेंट का, ये याद रखना, फ्रीजिंग पॉइंट सॉल्वेंट का है, और 1000 इनटू एलएफ ये है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, और लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन को अगर आप ओपन करके लिखोगे तो ये हो जाएगा डेल्टा एच ऑफ फ्यूजन, एंथैल्पी चेंज जो फ्यूजन के टाइम में हुआ, अपॉन मोलर मास, ये भी मोलर मास किसका है, सॉल्वेंट का है, आर की वही वैल्यू जो दो ली थी 8.314 एंड 2। अब वीडियो यहां पर ही रोको, वीडियो रोक दो, इसको दोबारा से अपनी कॉपी में देखो, है ना, ठीक है, बिल्कुल ऐसे वीडियो रोक के आप इसको पूरा का पूरा नोट करो, क्लियर है, क्योंकि यूजफुल नहीं है फिर भी आना चाहिए। मोलैलिटी प्रैक्टिस करो यहीं पर वीडियो रोक के, मोलैलिटी तो कहीं मैं भूल नहीं गया हूं, मोलैलिटी होती है मोल्स अपॉन मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट, इफ वेट ऑफ सॉल्वेंट इन गिवन इन ग्राम्स देन इट शुड बी डिवाइडेड बाई 1000, इट शुड बी डिवाइडेड बाई 1000, एंड मोलर मास का फॉर्मूला क्या होगा, वेट ऑफ ए अपॉन मोलर मास ऑफ ए। ये है आपका जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी थी, ये हमने फिनिश कर लिया। अब हम पढ़ेंगे, ठीक है, नेक्स्ट चीज वॉन्ट ऑफ फैक्टर, क्या पढ़ेंगे, वॉन्ट ऑफ फैक्टर। आपने जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ी है उनकी सच्चाई ये है कि ये तब तक सही है, तब तक आंसर आपका सही आएगा जब आपका मॉलिक्यूल ना तो टूटा हो ना जुड़ा हो सॉल्यूशन में आने के बाद। मतलब कैसे सर,
देखो बच्चों, आपने चार कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ी, कितनी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, चार। पहली पढ़ी डेल्टा टी बी इक्वल टू क्या होता है, के बी इंटू एम। दूसरी पढ़ी डेल्टा टी एफ क्या होता है, के एफ इंटू एम, ठीक है। तीसरी पढ़ी ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, पाई वी इक्वल टू एन आर टी। और चौथी पढ़ी कि एक्स ए मोल फ्रैक्शन रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर होता है, पी नॉट बी माइनस पी एस ओवर पी नॉट बी। ये चारों कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी नंबर पर डिपेंड करती है, नंबर किसका, सोल्यूट का, ठीक है। ये चारों कोलिगेटिव प्रॉपर्टी आपका आंसर करेक्ट देंगी, कब, जब आपने अगर कोई एक्स मॉलिक्यूल इसके अंदर डाला तो वो एक्स का एक्स ही रहा, अगर 10 डाले 10 ही रहे, 20 डाले 20 ही रहे, ना टूटे ना जुड़े। मतलब आपने जो ये चारों कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ी है, ठीक है ना, वो तब तक सही है जब मॉलिक्यूल के अंदर ना तो एसोसिएशन हो, ना तो मॉलिक्यूल के अंदर एसोसिएशन हो और ना ही डिसोसिएशन हो। इसका मतलब क्या, गलत पढ़ लिया क्या, नहीं। आपको अब यह पता करना है कि अगर मॉलिक्यूल एसोसिएट होगा तो क्या होगा और मॉलिक्यूल डिसोसिएट होगा तो क्या होगा। फॉर एग्जाम्पल NaCl है, NaCl आपने बच्चों NaCl के 10 नंबर लिए, कितने नंबर लिए, 10। जब आप सॉल्यूशन के अंदर आओगे तो 10 तो Na हो जाएंगे और 10 क्या हो जाएंगे, Cl। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी नंबर पर डिपेंड करती है, तो नंबर तो आपके डबल हो गए, नंबर आपके डबल। आपने जो आंसर निकाला वो 10 के अकॉर्डिंग निकाला, किसके अकॉर्डिंग निकाला, 10, लेकिन सॉल्यूशन के अंदर नंबर क्या हो गए, 20। ये तो नंबर पे डिपेंड करती है ना, यानी क्या हुआ, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज कुछ नहीं। तो आपका जो आंसर आना चाहिए था उसका डबल आंसर आएगा, क्योंकि सॉल्यूशन के अंदर क्या हो गया, ये डबल हो गए। जो आपका सॉल्यूशन के अंदर आने को बोलते हैं उसको बोलते हैं ऑब्जर्व्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, ऑब्जर्व्ड किया ये आपने, और ये है आपका नॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, या ये कहो कैलकुलेटेड है, ये क्या है, कैलकुलेटेड। तो जो आपने सोच के डाला वो है कैलकुलेटेड, जो अंदर आके सॉल्यूशन में जो भी घमासान हुआ, ये टूटा जुड़ा, अगर टूटा तो डबल हो गया, ऐसा भी हो सकता तीन गुना हो जाता, तो आपका आंसर तीन गुना गलत होता, समझ गए या नहीं। तो इस चीज को ध्यान रखना है कि जब सॉल्यूशन के अंदर आने के बाद अगर कोई मॉलिक्यूल टूट जाए तो आपकी ये चारों कोलिगेटिव प्रॉपर्टी गलत हो गई, क्लियर है। उसको सही करने के लिए हम वर्ड यूज करते हैं वांट ऑफ फैक्टर, वांट ऑफ फैक्टर, ये वो फैक्टर है जो आपको बताता है कितना आंसर आपने गलत कर दिया। वांट ऑफ फैक्टर का जो ये है, वांट ऑफ फैक्टर इज डिनोटेड बाय आई, किसे डिनोट करते हैं, आई से, और इसमें हम लिखते हैं जो हमने ऑब्जर्व किया वो ऊपर, ऑब्जर्व कोलिगेटिव प्रॉपर्टी हम ऊपर लिखेंगे, ऑब्जर्व कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, और नीचे लिखेंगे आपका जो कैलकुलेटेड है, कैलकुलेटेड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। बच्चों ऑब्जर्व तो आपने क्या किया, ऑब्जर्व तो वो चीज है जो सॉल्यूशन के अंदर आपने ऑब्जर्व किया, ऑब्जर्व के अंदर आपके नंबर 20 हैं, 20 Na, 20 Na और 20 Cl, 20 Na और 20 Cl, लेकिन अगर आप यहां पर आ जाओगे, कहां पर, नीचे की तरफ, क्लियर है, ये वो चीज है जो आपने डाला, आपने कितने डाले, 10, तो कितने का फर्क आया, 2 टाइम्स। तो वांट ऑफ फैक्टर कहता है कि आपका जो भी आंसर आएगा इन फॉर्मूले से, ठीक है, आप अपने आंसर को करेक्ट करने के लिए उसे वांट ऑफ फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दो, किससे मल्टीप्लाई कर दो, वांट ऑफ फैक्टर। आपने तो आंसर इसके अकॉर्डिंग निकाल लिया ना उन फॉर्मूले में, लेकिन हुआ क्या, डबल हो गया आंसर, डबल हो गया। तो यही तो कह रहा है वांट ऑफ फैक्टर, आंसर डबल है। अगर आपका डिप एलिवेशन या एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट की वैल्यू, जो आपका आंसर आया वो यहां पर एक्स आया, कितना आया, एक्स, लेकिन वो तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आया ना, इस फॉर्मूले में ना तो एसोसिएशन आपने लिया ना डिसोसिएशन लिया। अगर मॉलिक्यूल एसोसिएट होता है और डिसोसिएट होता है तो बिना वांट ऑफ फैक्टर के क्वेश्चन नहीं होगा। और वांट ऑफ फैक्टर क्या है, जो सॉल्यूशन में हुआ उसे ऊपर रखो और जो आपने नॉर्मल समझा उसे नीचे लिखो, और आपका आंसर एक्स आया था इस 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो आपका आंसर 2x होगा, कितना होगा, 2x। बात समझ में आई। ऐसे ही सपोज करो बेंजोइक एसिड है, C6H5COOH है, ये डायमर बना लेता है, मतलब दो मॉलिक्यूल एक बना लेते हैं, तो आपने 20 ऐड किए, कितने ऐड किए, 20। सॉल्यूशन में आने के बाद दो मॉलिक्यूल एक हो जाते हैं और ये इस तरीके से C6H5COOH होल ट्वाइस बना लेते हैं, तो दो ने एक बनाया, 20 कितने बनाएंगे, 10 बनाएंगे, दो ने एक बनाया, 20 कितने बनाएंगे, 10। तो इस केस में आपका ये जो सॉल्यूशन के अंदर हो रहा है ये क्या है, ऑब्जर्व, ये ऑब्जर्व कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है।
और ऊपर कैसी है, कैलकुलेटेड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो आई की वैल्यू वॉन्ट ऑफ फैक्टर क्या कहता है, जो सोल्यूशन में हुआ, सोल्यूशन में 10 रह गए, कितने डाले थे कैलकुलेटेड, कितने 20, तो जो आपका आंसर आएगा उसका हाफ कर देना, जो आपका आंसर आएगा उसका क्या कर देना, हाफ। आंसर उसी से निकालो, आंसर उसी को लिखो, बस वॉन्ट ऑफ फैक्टर जरूर निकाल देना। मॉलिक्यूल टूट रहा है तो टूटने के हिसाब से, जुड़ रहा है तो जुड़ने के हिसाब से, और जो भी आपका आंसर आया उन चार कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का, उस आंसर को वॉन्ट ऑफ फैक्टर से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका जो आंसर आएगा वो करेक्ट आएगा, वो क्या आएगा, करेक्ट। क्लियर है, कोई दिक्कत? ये था आपका वॉन्ट ऑफ फैक्टर अपने आंसर को ठीक करने के लिए, इन केस अगर मॉलिक्यूल एसोसिएट होता है या डिसोसिएट होता है तो। कोई दिक्कत भाई? चलो जी, तो वॉन्ट ऑफ फैक्टर इज डिनोटेड बाय आई, वॉन्ट ऑफ फैक्टर इज डिनोटेड बाय आई, और इसका जो फॉर्मूला होगा वो कैसे लिखेंगे, वॉन्ट ऑफ फैक्टर को लिखेंगे हम ऐसे, ऑब्जर्व कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, ऑब्जर्व कोलिगेटिव प्रॉपर्टी अपॉन नॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, नॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। बात करते हैं मोल्स की, बात करते हैं मोल्स की। आपका मॉलिक्यूल कोई ए बी है, क्या है मॉलिक्यूल, ए बी, समझ गए, वो मॉलिक्यूल डिसोसिएट हो गया और उसने आपका ए प्लस आयन बनाया और बी माइनस आयन बनाया, क्लियर है। तो यहां पर इनिशियल आपका मोल्स 1 है, ये 0 है और ये 0, ठीक है, ये कुछ टूटा तो हमने कहा इतना टूट गया 1 माइनस अल्फा हो गया, जितना ये टूटा उतना ए बन गया अल्फा, बी बन गया अल्फा, क्लियर है। तो ये मोल्स आफ्टर डिसोसिएशन तो ये रहे ना, मोल्स आफ्टर डिसोसिएशन, मोल्स आफ्टर डिसोसिएशन क्या हो गई, I की वैल्यू क्या हो गई, I की वैल्यू क्या है सॉल्यूशन के अंदर, तो ये हो गया ना, ये टूट गया, आपको तो ये अंदाजा ही नहीं था ये टूटेगा, लेकिन ये टूट गया, और टूटने के बाद ए भी कितना बचा, 1 माइनस अल्फा, ए कितना बना अल्फा और बी कितना बना अल्फा, ये है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। मैं कहता हूं मॉलिक्यूल 20% टूट गया, कितना 20% टूट गया, तो अल्फा 20% है, अल्फा कितना है 20%, कोई दिक्कत? तो सॉल्यूशन के अंदर कितना हुआ, सॉल्यूशन के अंदर 1 माइनस अल्फा, ये ए कितना है अल्फा, बी कितना है अल्फा, अपॉन आपने लिए कितने थे 1, तो आई की वैल्यू क्या हो गई, अल्फा से अल्फा कैंसिल, आई की वैल्यू हो गई 1 प्लस अल्फा अपॉन 1। सर ये अल्फा नहीं समझ में आया, क्या हुआ कैसे हुआ, सुनो बच्चों, अगर ए बी लेते हो, अब ध्यान से सुनते जाना, और ए प्लस और बी माइनस करते हो, अब आएगा समझ में, तुमने इसके 80 मोल्स ले लिए, इसको डिनोट कर दिया मैंने सी से, किससे, ये कंसंट्रेशन आपने 80 मोल्स ले ली, जब स्टार्ट किया तो ना तो ये बना ना ये बना, मैंने कहा ये 20% टूट गया, अल्फा कितना परसेंट टूट गया 20%, तो 80 का 20% टूट गया तो क्या हुआ, 80 का 20% कितना होता है, 80 का 20% कितना होता है 16, 80 का 20% जो होगा वो कितना हो गया 16 हो गया। तो मैंने कहा ए बी 16 मोल्स टूट गए, तो आप क्या कहोगे, 80 माइनस 80 का 20% टूटा, ये तो लिखोगे, और जितना ये टूटेगा उतना ये बनेगा, तो इसका मतलब है ये 16, ये 20% कम हुआ तो ये 20% बना होगा, और जितना ये बना उतना ये बना, तो मैं कहूंगा 80 का 20% ये बन गया और 80 का 20% ये बन गया, क्लियर है। अरे बोलो भाई, तो इसको लिखो, 80 मैंने क्या लिया था C, 80 मैंने क्या लिया था C, 80 क्या है C, 20% क्या है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, जितना टूटा, जितना टूटा, तो ये हो गया, ये भी क्या है C अल्फा, ये भी क्या है C अल्फा, तो सॉल्यूशन के अंदर तो ये है, सॉल्यूशन के अंदर तो ये है, यही है, बस मैंने उसे शॉर्टकट में लिख दिया था। I की वैल्यू क्या हो गई, I की वैल्यू हो गई कि ए बी बचा है, ए बी कितना बचा है, 80 में से 16 माइनस करो तो कितना बचा, 64 बचा, ये कितना बना 16 बना, ये कितना बना 16, तो सी अल्फा की वैल्यू 16, सी अल्फा की वैल्यू 16, और सी माइनस सी अल्फा की वैल्यू कितनी 64, तो मोल्स आफ्टर डिसोसिएशन ही तो है ये, मोल्स आफ्टर डिसोसिएशन, डिसोसिएशन के बाद ये नहीं ए और बी ही बने, ए बी भी तो बचा होगा, ए बी कितना बचा 64,
तो जब मैं वोंटो फैक्टर लिखूंगा तो मैं क्या लिखूंगा, मोल्स टूटने के बाद कितने बने, 64 प्लस 16 प्लस 16, ये तो ऑब्जर्व है, ये सॉल्यूशन के अंदर हो रहा है ऑब्जर्व है ये। और आपका जो कंसंट्रेशन वो कितनी ली थी, 80, मैंने कहा था ना। अगर आप ये कहोगे कि ये ना टूटा ना जुड़ा, तो 80 नॉर्मल है, कैलकुलेटेड है, तो 80 हमारा अनुमान था, लेकिन सॉल्यूशन में ये हो गया। जो सॉल्यूशन में होता है उसको बोलते हैं ऑब्जर्व, और जो आपने लिया उसको बोलते हैं कैलकुलेटेड। तो ऑब्जर्व कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ये है। तो 64 को मैं तरीके से लिखूंगा तो क्या लिखूंगा, सी माइनस सी अल्फा, 16 को क्या लिखूंगा, सी अल्फा, उसको क्या लिखूंगा, सी अल्फा अपॉन ये कितना है, सी। तो पूरा सी से सी कैंसिल आउट हो गया, ऊपर सी से सी कैंसिल आउट हो गया, सी अल्फा कैंसिल आउट हो गया, ये क्या हुआ, सी प्लस सी अल्फा, ध्यान दो, सी प्लस सी अल्फा अपॉन सी। तो फाइनल तो आंसर 1 प्लस अल्फा आया, यही तो आया था, मैंने 1 ले लिया था उसको, वहां से तुम्हें समझ में आ गया पूरा। तो ये है जब डिसोसिएशन हो, जब डिसोसिएशन होगा तो हमेशा वोंटो फैक्टर ग्रेटर देन 1 होगा। यहां पे भी देखो 1 प्लस समथिंग आएगा, हमेशा 1 प्लस समथिंग, और 1 प्लस समथिंग मींस ग्रेटर देन 1, ग्रेटर देन 1। तो अगर वोंटो फैक्टर निकालना है तो जो सॉल्यूशन के अंदर हुआ वो ऊपर लिखो, है ना, और बाकी को नीचे। तो जनरली मैं इसको ये ऐसे भी लिखता हूं कि मोल्स आफ्टर डिसोसिएशन, मोल्स आफ्टर एसोसिएशन और डिसोसिएशन अपॉन नॉर्मल मोल्स, अपॉन नॉर्मल मोल्स। मोल्स का उल्टा क्या होता है, मोल्स का उल्टा होता है मोलर मास। हाँ, वीडियो 2-3 मिनट से ज्यादा मत देखो, और बुक को सामने रखो, बुक को सामने रखना बहुत जरूरी है, ठीक है। देखो ध्यान से, आई की वैल्यू क्या है, मोल्स एसोसिएशन और डिसोसिएशन के बाद अपॉन नॉर्मल मोल्स, अपॉन नॉर्मल मोल्स, ठीक है। मोल्स का इनवर्स होता है मोलर मास, इनवर्स होता है मोलर मास, उल्टा होता है, क्यों, क्योंकि मोल्स जो होते हैं उसको क्या लिखते हो, मास ओवर मोलर मास, मास ओवर मोलर मास, कोई दिक्कत। तो मोल्स का उल्टा हुआ, मोल्स का उल्टा हो गया ना, ध्यान दो। तो अगर मैं वोंटो फैक्टर लिखूंगा, अगर मैं वोंटो फैक्टर लिखूंगा तो ऑब्जर्व कोलिगेटिव प्रॉपर्टी अगर मुझे मोलर मास के टर्म्स में लिखनी है तो मैं ऑब्जर्व मोलर मास नीचे लिखूंगा, मोलर मास उल्टा लिखूंगा। तो अगर वोंडर मास की टर्म्स में लिखना है आई को, तो मैं क्या लिखूंगा, कैलकुलेटेड मोलर मास तो ऊपर क्योंकि उल्टा है, मोल्स है तो सीधा लिखेंगे और मोलर मास है तो उल्टा, कैलकुलेटेड मोलर मास ऊपर और जो सॉल्यूशन में हुआ ऑब्जर्व मोलर मास नीचे, ऑब्जर्व मोलर मास, तो इसको क्या लिखेंगे, मोलर मास कैलकुलेटेड एमसी और मोलर मास ऑब्जर्व जो आपका सॉल्यूशन के अंदर आके हुआ टूटा या जुड़ा एसोसिएशन और डिसोसिएशन के बाद जो मोलर मास आया उसको बोलते हैं मोलर मास ऑब्जर्व, और ये वो जो आपने हाथ में पकड़ के बैठे हो इनिशियल। तो आई की वैल्यू एमसी ओवर एम नॉट, और ये मैंने बता दिया, अगर आप एसोसिएशन करोगे, क्या करोगे एसोसिएशन, तो आई की वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन 1 आएगी, अगर आप डिसोसिएशन करोगे तो आई की वैल्यू हमेशा लेस देन 1 आएगी। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे L7 में, नेक्स्ट लेक्चर L7 होगा, L7 में हम क्या पढ़ेंगे, L7 में हम पढ़ेंगे कि आप को वोंटो फैक्टर का एक जनरल फॉर्मूला भी आना चाहिए, वोंटो फैक्टर का एक जनरल फॉर्मूला भी आना चाहिए जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, क्लियर है। चलो जी ठीक, बोर्ड के लिए आप L7 एस्केप कर सकते हो, ओके।